हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइटर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और इसी जो पॉजिटिविटी के साथ आज जो हम हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए मैं आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा है डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा जाता है और उसका ब्लड शुगर 500 600 या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है। ये स्थिति है, पहली बार ही हो चुका है और उसके डैडी मम्मी शॉक्ड हैं, ये क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले कभी ऐसा था नहीं, शॉक्ड है। और ब्लड शुगर चेक किया तो पाया कि वो तो 500 है, 600 है, व्हाटएवर। HbA1c चेक किया तो पाया वो भी 15 है, 20 है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन। ये बड़ा अच्छा है दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को ज़िंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है। और उसका डोज कितना होगा वो सब बताएगा, एक डाइट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन और महीने में एक बार दो बार दिखाना है। तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं अपने जीवन में, याद कीजिए उसको, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अपनी वाइफ हो, कोई भी हो सकती है। तो जितने तरह के पेन होते हैं, जितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई मुझसे पूछे वो डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। बच्चे के लिए तो पेनफुल है ही, उसके पेरेंट्स के लिए पेनफुल है ज़्यादा। अक्सर ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि क्योंकि उन बच्चों को जितनी बार खाना खाना है उतनी बार इंसुलिन लगाना है, और इंसुलिन कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, इमरजेंसी में महीने में एक बार जाता है बच्चा। तो उन पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं मुझे कि भाई काश कि भाई अगला इंसुलिन लगाने से पहले मैं अपनी जान दे पाता, मैं सुसाइड ही कर लेता। दैट इज़ काइंड ऑफ फीलिंग जो पेरेंट्स के मुँह से वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स इस तरह की, भाई हर बार इंसुलिन लगाना इज़ लाइक स्टैबिंग द चाइल्ड। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेने एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सबके सब बोलेंगे नहीं ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाना है। फिर वो थोड़ी रिसर्च करेंगे और जहाँ भी पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर रिसर्च करना है। तो इतने सारे रेफरेंस मिल गए तो उसके दिमाग क्या बैठ गया कि ये तो ऐसा ही होगा। दैट इज़ द चेन, गुलामी, राइट। वो हाथी का बच्चे वाला, क्योंकि जो हाथी का बच्चा है ना, वो जब बड़ा भी हो गया ना, तो वो और भी कोई हाथी देखता होगा शहर में, तो उसके भी चेन लगा हुआ है, तो उसने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि भाई ये चेन तो मैं थोड़ा सा भी अगर दम लगाऊं तो मैं एक सेकंड में फ्री हो सकता हूं, राइट, एक सेकंड फ्री हो सकता हूं। हालांकि वो फ्री होगा तो दौड़ने लगेगा, तो पागल हाथी बोल के हम गोली से उड़ा देंगे, इंसान ऐसा करेगा। लेकिन आप बताइए, एक सेकंड की आज़ादी चाहिए या जिंदगी भर की गुलामी चाहिए? जब बहुत सारे हाथी ऐसे करने लगेंगे तो एक बार एक कंक्लूड करेगा ह्यूमन कि हाथी जो है वो टेम नहीं हो सकता, ये वाइल्ड ही रहता है, तो आगे से टेम करने की जो हमारी नीयत है वो खत्म हो सकती है। तो कुछ लोगों को तो अपना खून तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, ये दे दिया। अगर अब अगला एक मिनट जो बोलने वाला वो आप ध्यान से सुनिएगा, जब वो बच्चा आया पहली बार, जब वो बच्चा पहली बार आया, वो डायबिटीज टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देखे इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है, आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चार तरह के फल और चार तरह, कोई भी चार तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खास तौर पे स्वीट फ्रूट्स। डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज खाया ऐसा, तो ये देने की जरूरत नहीं, एक भी दिन जरूरत नहीं, नॉट ए सिंगल डे, राइट। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए, वो बच्चा आपका खुद का बच्चा है, राइट। अब जरा सोचिए उसकी दो जिंदगी होने वाली थी, एंड ये जिंदगी इधर जाएगी इंसुलिन या इधर जाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है? वो जिसके पास आप सोच आए हैं पूरे विश्वास से कि ये मेरा भला चाहता है, उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो बट दोनों जिंदगी, एक गुलामी की तरफ है और दूसरा आजादी की तरफ है, सिर्फ उसका एक बोलना, वो बोलेगा ये लो या वो बोलेगा ये लो, राइट। अब ये लो अगर बोलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आएंगे ना जिंदगी भर, राइट। और अगर ये लो बोलेगा तो वो घर जाके जब खरीदेगा तो डॉक्टर से तो खरीदेगा नहीं, वो तो सब्जी बाजार से खरीद लेगा, डॉक्टर की फीस एक बार दे देगा, तो वो गरीब रह जाएगा, वो अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप अगर इस कुर्सी में हैं तो आप क्या बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस कुर्सी में तो आप क्या बोलेंगे, राइट। तो इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है, डॉक्टर बनने का। जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूं
कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, राइट। थैंक यू। तो जब ये आप सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो 100 साल इंसुलिन के हो गए हैं, सिर्फ एक सच को छुपा के, सिर्फ इतना सा सच को छुपाने से एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट। तो मैं दोबारा से यहां पे चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी अगर बच्चा है और जिस दिन वो डायग्नोस हो रहा है उस दिन अगर उसको सिर्फ एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि भाई बच्चे का फल अभी से बंद कर दो। याद कीजिए, अगर आप में से किसी को डायबिटीज टाइप 1 बच्चे से पाला पड़ा होगा और ऐसा करो इसकी दूध ना बढ़ा दो, डबल कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उससे क्या होता है, उससे इट एंश्योर्स कि ब्लड शुगर हाई रहे, इट एंश्योर्स, राइट। तो जिन चीजों से ब्लड शुगर हाई रहेगा उन चीजों को बढ़ा दो, और जिस चीज से इमीडिएटली उसी दिन वो ठीक हो जाएगा उसको तो हटा ही दो, लिटरली। एंड दैट इज द बिजनेस, राइट। वैसे तो बिजनेस कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब किसी के जिंदगी में आप जिससे प्यार करते हैं उसको विक्टिम बना के फिर बिजनेस कर रहे हैं तो इससे बुरी चीज क्या हो सकती है। तो आज हमारे हमारे कुछ मित्र आए हैं, आपको मिलाऊंगा मैं। 2016-2015 में मुझे पता चल गया कि बस रास्ता इसकी जगह रास्ता ये दिखाना है, तो वी स्टार्टेड दैट। और जो जो बच्चे मेरे पास आते गए या इंसुलिन डिपेंडेंट बड़े भी आते गए, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले भी रहे हैं वो भी आते गए और वो उनको ये रास्ता दिखाया, उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं मिलाऊंगा अभी आपसे, और वो दे ऑल बिकेम इंसुलिन फ्री। तो वही वाली बात है, मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो थोड़े लोग हुए हैं, बार बार ये आता है कि भाई सबके लिए उसका जो बच्चा है वो उससे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। तो और ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं, तो क्यों ना ये वाला बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो 2016 से हमने अलग अलग शहरों में ऑडिटोरियम इस तरह के बुक करके सेमिनार करने शुरू किए। अब क्या हुआ, बात है गोवा की, एंड ये है 8 जून। 8 जून गोवा में भी हमने सेमिनार बुक किया और वहां भी पब्लिसिटी हुई, और वो फ्री होता था लोगों के लिए, राइट, लोगों के लिए फ्री हो, जैसे ये है फ्री, राइट। और FDA के डायरेक्टर का ईमेल आया कि आप हमारे ऑफिस में, उनका नाम था श्री सलीम, फर्स्ट नेम मुझे याद है, 2017 8 जून, कि आप हमारे शहर में कुछ करने जा रहे हैं, आपकी कंप्लेन आई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, यू कम। मैं गया 8 जून को, 11 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं पहुंच गया। तो मैंने उनको बोला सर इससे क्योर होते हैं, और जब मैं गया इंसिडेंटली तब एक पेशेंट भी था जो उनके दोस्त भी थे, बाई चांस उनके जानकार थे, दोस्त थे कि नहीं थे, उनको भी लेके गया, वो वहीं के रेजिडेंट थे, कि ये भी ठीक हुए हैं और मैं तो सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया है, और अगर आपने आए सेमिनार करने के लिए तो एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्योंकि देखिए एक धारा है बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, पहले से ही बनाई हुई है, कि दैट इज कॉल्ड मैजिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक एक्ट। मतलब अगर आपने ये बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायबिटीज क्योर हो सकता है, तो दैट इज एनफ टू पुट मी बिहाइंड बार, तो आप बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा हमारे तो सेमिनार ऑलरेडी हॉल बुक है और मैं तो आऊँगा, और मैं नॉर्मली उसी दिन आता हूँ, तो आई विल गो अहेड, आप देखिए क्या करना है। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया हॉल के इंचार्ज का, ईमेल भी आया कि आपका हमने हॉल कैंसिल कर दिया है, आपका रिफंड हम भेज देंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वी कैरीड ऑन विद अदर सिटीज एंड अदर कंट्रीज, वो करते 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 FDA के जो डायरेक्टर ने एक बात बोली थी, अगर आप करना चाहते हैं पहले तो साबित कीजिए मेडिकल कम्युनिटी में जाके, पहले क्लिनिकल ट्रायल लेके आइए और उसके बाद बात कीजिए, जिसको 3-4 साल लगेंगे अगर तो कम से कम। तो ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी बार बार, और दूसरी तरफ ये भी बात घूम रही थी कि उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब रिलेट करेंगे कि ये स्थिति में आप अगर हैं तो कैसा लगेगा, तो आपके दिमाग में अनरेस्ट रहेगा, स्पेशली तब जब आपको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, आई हैव समथिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और तब नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब कई बार लोग बोलते हैं कि क्यों FDA से पंगे ले रहे हो, तब दोबारा मैं अपने आप को रखता हूँ कि उन पेरेंट्स के शूज पे, राइट, कि उनके मना करने से मैं रुक गया, लेकिन दोस्त पीपल जिनको मदद मिल सकती थी मेरे एक थोड़ी हिम्मत दिखाने से, उससे वो चूक गए, राइट। तो ये मेरी गलती हुई। तो आज़ादी तो वही है कि हम जो चाहें और सच जब चाहें जिसको चाहें बता पाएं, राइट, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज फ्रीडम। अगर मैं एक सच है वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं तो गुलाम हूं ना, तो चेन से तो मैं भी बंधा हूं ना,
राइट right? चेन का मतलब फिजिकल चेन नहीं होता, चेन का मतलब ये होता है व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट यू बिलीव, और अगर किसी को फायदा कर रहा है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप गुलामी हुए ना, राइट right? तो उस गुलामी में रह के आपको क्या मजा आ रहा है? थैंक यू। देखिए ये एक छोटी सी बात है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये इससे थोड़ी और बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पद्म भूषण, डॉक्टर बी एम हेगडे, आप सबने नाम सुना होगा, दुनिया के जाने माने डॉक्टर। तो मैंने सोचा जर्नल, तो मैंने देखा जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, उस उनके चीफ एडिटर वही हैं। मैंने कहा ये एक जर्नल है जो मेरी इस बात को छापेगा। तो उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया 2017 में, मैंने कहा मेरे पेशेंट तो ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, डायबिटीज टाइप 1 अगर आप सर्च करेंगे पूरे दुनिया में आज तक कोई भी पेशेंट इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाया है, यही अभी तक का स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका हम तभी छापेंगे जब यूके यूएस वहां के साइंटिस्ट को हम दिखाएंगे केस स्टडी आपका, वो अप्रूव करेंगे तो ही हम छापेंगे। तो मैंने भेज दिया 2018 में भेजा, और इट हैड बीन 2 ईयर्स। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब ये जनवरी महीना है 2021, राइट, दो साल बाद ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नल में एक डायबिटीज टाइप 1 एक लड़की 7 साल तक 7 ईयर्स तक इंसुलिन लिया 60 यूनिट एवरी डे, और 7 साल बाद शी वॉज ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, आगे मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता। 7 साल के बाद शी बिकेम 100% इंसुलिन फ्री 7 साल बाद। लेकिन ये चीज 2018 में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन और जब हमने सबमिट किया था, बट वो जो जर्नल है उन्होंने उस पेशेंट को भी फॉलो अप किया कि भाई इंसुलिन फ्री कुछ दिनों के लिए है कि हमेशा के लिए है, एंड तब से अब तक आज के दिन तक शी इज टोटली इंसुलिन फ्री एंड डायबिटीज फ्री ऑल्सो, एंड दैट इज द फर्स्ट केस इन द मेडिकल लिटरेचर, जो कि मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश लिटरेचर में पहली केस है पूरे दुनिया में, राइट। अब अगर तो ये कोई दवाई होती, राइट, तो मैं दुनिया का आज सबसे अमीर आदमी बन जाता और सारी जो मीडिया जैसे आप गोदी मीडिया बैठते बार बार दिखाते, क्योंकि उससे बिजनेस हो पाता एक दवाई उससे, और मैं जो बता रहा हूं इससे बिजनेस होगा नहीं बल्कि चलता फिरता बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितनी प्रॉमिसिंग चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैन इट बी कन्वर्ट इन टू बिजनेस। अगर वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता बल्कि वो किसी बिजनेस को बिगाड़ेगा, तो वो कितनी भी प्रॉमिसिंग हो मैनकाइंड के लिए वो आप तक नहीं।